बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हल करेंगे एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का पांचवा और छठा पार्ट। क्या कह रहा है? प्रूव द फॉलोइंग। आप क्वेश्चन गिवन कर रहा है और कह रहा है उसे प्रूव करें। तो चलिए जी स्टेटमेंट पे चलते हैं। ये है जी पार्ट नंबर 5 की स्टेटमेंट। कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इस स्टेटमेंट को हमने प्रूव करना है कैसे? यहाँ पे आपको दो साइड्स गिवन है, आप एक साइड सिलेक्ट करेंगे और उससे दूसरी साइड बना दो। आप साइड कौन सी सिलेक्ट करते हैं जो मोर कम्प्लेक्स होती है? तो मेरा बेटा मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड सिलेक्ट करूंगा, वो मोर कम्प्लेक्स है और उससे राइट हैंड साइड बनाऊंगा। सोल्यूशन पे आते हैं जी। सोल्यूशन पे आ गई है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड सिलेक्ट कर दी। अब इस क्वेश्चन को मेरा बेटा मैंने हल करना है अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट से। और आपको पता है कि अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट में हम तीन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि ये जो आपको एंगल नज़र आ रहा होता है, इसको हमने कन्वर्ट करना होता है मल्टीपल ऑफ 90 में। वो कैसे करते हैं? वो हम इसे 90 पे डिवाइड कर देते हैं तो ये मल्टीपल ऑफ 90 पे कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2 करते हैं मेरा बेटा, चेक करते हैं कि वो जो मल्टीपल ऑफ 90 आ रहे हैं वो इवन आ रहे हैं या ऑड आ रहे हैं। अगर इवन मल्टीपल ऑफ 90 आ रहे हो तो हम फंक्शन में कोई चेंज नहीं करते, और अगर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 आ रहे हो तो फिर फंक्शन में हम चेंज कर देते हैं। स्टेप नंबर 3 क्या होता है? मल्टीपल ऑफ 90 के हिसाब से हम क्वाड्रेंट देखते हैं। उस क्वाड्रेंट में क्या करते हैं, जो फंक्शन हमें क्वेश्चन में दिया गया होता है उसकी वैल्यू देखते हैं। प्लस हो तो प्लस लगा देते हैं और माइनस हो तो माइनस लगा देते हैं। वो जो आंसर आपके पास आ रहा होता है ना, उसके साथ हमने सिंबल लगाना होता है स्टेप नंबर 3 में। वो हम मल्टीपल ऑफ 90 के हिसाब से क्वाड्रेंट देखते हैं, उस क्वाड्रेंट में ओरिजिनल फंक्शन की वैल्यू को देखते हैं। अगर प्लस हो तो प्लस लगा देते हैं उसके साथ, और माइनस हो तो माइनस लगा देते हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए क्वेश्चन करते हैं। मैं इस क्वेश्चन को हल कर रहा हूँ अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट से। वैसे आप इसे अल्फा प्लस बीटा वाले फार्मूले से भी कर सकते हैं। मैंने लिख दिया है बाय यूजिंग अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट। मैं क्या करने जा रहा हूँ मेरा बेटा, स्टेप नंबर 1 करने जा रहा हूँ। गौर करिएगा, 270 को मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ 90 पे, कन्वर्ट करने के लिए मल्टीपल ऑफ 90 पे। ये मैंने कन्वर्ट कर दिया, 90 पे डिवाइड किया, 3 टाइम गया 270 आया और रिमाइंडर 0 बच गया। अब ये मैंने स्टेप नंबर 1 कर दिया जी, इसे मल्टीपल ऑफ 90 में कन्वर्ट कर दिया। अब इसी चीज को लिखते कैसे हैं? 270 का मैं लिखूंगा, ये होता है कोशेंट, ये होता है डिवाइजर और ये होता है रिमाइंडर। कोशेंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, चूंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये लिखा जाएगा 3 × 90 और साथ थीटा आ जाएगा। ये को ही लिखा गया कॉस 3 × 90 प्लस थीटा। आप क्या करें, 90 पे डिग्री जरूर लगाएं, यहाँ पे डिग्री हो, ठीक हो गया। ये जी हमने कन्वर्ट कर दिया मल्टीपल ऑफ 90 में, स्टेप नंबर 1 हमने कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है मेरा बेटा, स्टेप नंबर 2 करना है। हमने चेक करना है जो मल्टीपल ऑफ 90 आ रहे हैं वो इवन है या ऑड है। वो कैसे चेक करते हैं? ये 90 है, इसके साथ क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और 3 क्या है, ऑड नंबर है। इसका मतलब ये क्या बन रहे हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 बन रहे हैं। और जब भी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 बनते हैं तो आपको पता है फंक्शन में तब्दीली होती है। अगर यहाँ पे कॉस है तो वो साइन हो जाता है, टेन हो तो कॉट हो जाता है, सीकेंड हो तो कोसेकेंड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, कॉज है मेरा बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, और ये जो एंगल है वो आ जाता है, तो ये आ जाएगा साइन थीटा। अब आप कहेंगे कि ये किधर गया मेरा बेटा, इसे हम दो काम लेते हैं और उसके बाद इसे इग्नोर कर देते हैं। पहला काम हमें ये बताता है कि फंक्शन में चेंज होनी है या नहीं होनी, वो हमने इसे ले लिया। यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ 90 थे तो फंक्शन में चेंज होनी थी। दूसरा काम क्या करता है मेरा बेटा, ये हमें सिंबल लगाने में भी हेल्प करता है। ये जो हमारा आंसर आ रहा होता है ना स्टेप नंबर 3, जो हमने सिंबल लगाने वाला करना होता है, उसमें भी ये हमें हेल्प आउट करते हैं। देखिए 90 के साथ क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, अब सिंबल लगाने की कोशिश करते हैं। ये जो स्टेप नंबर 3 है हमारा, 93 टाइम आ रहा है तो कोऑर्डिनेट प्लेन पे आ जाते हैं। ये कोऑर्डिनेट प्लेन मैं इसलिए लगाता हूँ कि ये हमें सिंबल लगाने में हेल्प आउट करता है। 90 कितनी दफ़ा आ रहा है, 3 टाइम काउट करें, 1 टाइम हो गया जी, 2 टाइम हो गया, 3 टाइम हो गया, यहाँ पे आ गया, और फिर उसमें थीटा ऐड हो रहा है। जब भी कोई चीज़ ऐड होती है तो हम आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब हम चौथे क्वाड्रेंट में चले गए, और चौथे में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे भी कॉस गिवन है, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मेरा बेटा आपने वो वाला फंक्शन चेक करना है जो क्वेश्चन में गिवन किया होगा, ये आंसर वाला नहीं चेक करना। अब यहाँ पे तो साइन था, ये तो नेगेटिव होना चाहिए था, नहीं। हमने क्या करना है, हमने वो वाला फंक्शन चेक करना है जो क्वेश्चन में गिवन कॉस है। कॉस चौथे क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये क्या रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा। अगर गौर करें तो यही हमारी राइट हैंड साइड है, बन गई थी। हम लिख देंगे हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
ये था पार्ट नंबर 5। अब हम हल करेंगे पार्ट नंबर 6। बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हैं। यदि हमारे पास पार्ट नंबर 6 साइन इंटू थीटा प्लस 270 डिग्री इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे दो साइड्स गिवन हैं, आप एक सिलेक्ट करेंगे उससे दूसरी साइड बना देंगे। मैं लेफ्ट हैंड साइड सिलेक्ट करूंगा जो कि मोर कम्प्लेक्स साइड है, ये मैंने जी सिलेक्ट कर दी लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं इसे हल करूंगा अलाइड एंगल के कंसेप्ट से, वही तीन स्टेप मेरा बेटा। सबसे पहले मैं इसे कन्वर्ट करूंगा मल्टीपल ऑफ 90 में, फिर चेक करूंगा जो मल्टीपल ऑफ 90 आ रहे हैं वो इवन है या ऑड है। इवन होंगे तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं करूंगा, और ऑड होंगे तो फंक्शन में चेंज करूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, जो हमारे पास आंसर आएगा उसके साथ सिंबल लगाऊंगा। वो कैसे लगाऊंगा, मल्टीपल ऑफ 90 के हिसाब से क्वाड्रेंट चेक करूंगा और उस क्वाड्रेंट में जो फंक्शन हमें क्वेश्चन में दिया गया उसकी वैल्यू देखूंगा, प्लस है या नेगेटिव है। प्लस हुई तो प्लस लगा दूंगा और नेगेटिव हुई तो नेगेटिव लगा दूंगा। तो चलिए जी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बाय यूजिंग अलाइड एंगल कंसेप्ट। यहाँ पे ना उसने आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज किया, जो एंगल है वो बाद में गिवन कर दिया और थीटा पहले, तो इससे कन्फ्यूज नहीं होना। इस तरतीब से आपने कन्फ्यूज नहीं होना, आपने वही काम करना है। ये जो 270 डिग्री है ना, ये मल्टीपल ऑफ 90 बनता है, इसे हमने कन्वर्ट कर देना है मल्टीपल ऑफ 90 में। क्या करेंगे, 270 को मैं 90 पर डिवाइड करूंगा, स्टेप नंबर 1 करूंगा। ये मैंने डिवाइड किया जी, 3 टाइम किया, 0 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इस 270 डिग्री को मैं लिखूंगा कुछ इस तरह। ये होता है कोशेंट, ये होता है डिवाइडर, और ये होता है रिमाइंडर। कोशेंट मल्टीप्लाई डिवाइडर प्लस रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये लिखा जाएगा कोशेंट मल्टीप्लाई डिवाइडर, मतलब 3 × 90। ये कुछ यूँ लिखा गया, साइन थीटा आ गया जी, प्लस ये लिखा गया 3 × 90। 270 को मैंने लिख दिया 3 × 90, और यहाँ पे डिग्री जरूर लगाइएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक हमने मेरा बेटा कर दिया स्टेप नंबर 1। अब हमने करना है स्टेप नंबर 2। उसमें हम चेक करते हैं जो हमारे पास मल्टीपल ऑफ 90 आ रहे हैं वो इवन है या ऑड है। अगर आप गौर करें तो 90 के साथ क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और 3 आपका क्या है, ऑड नंबर है। इसका मतलब ये क्या बन रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90, और जब आपका ऑड मल्टीपल ऑफ 90 बनता है तो फंक्शन में चेंज होती है। साइन है तो कॉस में हो जाता है, टेन है तो कॉट में, कॉस है तो साइन में। यहाँ पे क्या है, साइन है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, तो ये आ जाएगा कि कॉस थीटा। ये कहाँ जाता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, उसे हम दो काम देते हैं। पहला काम इससे ले चुके हैं, वो क्या, ये हमें बताता है कि फंक्शन में चेंज होनी है या नहीं होनी। तो यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ 90 थे तो फंक्शन में चेंज हो गई, पहला काम ले लिया हमने। अब इससे हमने दूसरा काम लेना है, ये जो आंसर आ रहा है इसके साथ हमने सिंबल लगाना है, कौन सा लगेगा, तो वो भी हम इसी से हेल्प लेंगे। देखिए 90 कितनी दफ़ा आ रहा है, 3 दफ़ा, काउंट करें, 1 टाइम हो गया, कोऑर्डिनेट प्लेन पे आ जाए। यहाँ पे 90 होता है, 1 टाइम हो गया, 2 टाइम हो गया, 3 टाइम हो गया, और फिर इसमें कोई चीज़ ऐड हो रही है, थीटा ऐड हो रहा है, मतलब हम चौथे क्वाड्रेंट में चले गए। और चौथे में क्या है, कॉस पॉजिटिव होता है, ये क्या है हमारा, ये तो साइन है। आपने मेरा बेटा, दोबारा बता रहा हूँ, वो वाला फंक्शन चेक करना है जो क्वेश्चन में गिवन होगा। तो साइन का होगा नेगेटिव हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा माइनस कॉस थीटा। ठीक हो गया जी, यही हमारी राइट हैंड साइड की, तो आपने लिख देना है हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था जी पार्ट नंबर 6। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, जब आप क्वाड्रेंट चेक करते हैं तो उसमें मेरा बेटा वो वाला फंक्शन देखते हैं जो क्वेश्चन में गिवन होता है, ना कि वो वाला जो आंसर में आ रहा है। ये था जी हमारा आज का क्वेश्चन, उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी।